इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। ऑर्डर प्रोसेसिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर के हिसाब से हम एक सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे, इसको हम एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। अब इसी सेल ऑर्डर के हिसाब से आगे मैन्युफैक्चरिंग होगी और पैकिंग होगी। गुड्स की पैकिंग हो जाने के बाद फाइनली हम उसी सेल ऑर्डर के हिसाब से इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर ऑप्शन अनेबल नहीं है तो उनको हम अनेबल करेंगे। हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शंस, इन्वेंटरी के अंदर अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे और सेव करेंगे। ट्रांजैक्शन में आपके सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर दो ऑप्शन अब शो होंगे। सबसे पहले हम सेल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर डालेंगे, सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, पार्टी नेम डालेंगे। ऑर्डर के हिसाब से हम यहाँ पर आइटम डाल देंगे। आइटम डालने के बाद F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, ये टैक्स की कैलकुलेशन कर लेगा। अगर आप कोई एडिशनल चार्ज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको आप मेंशन कर सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे। कंसाइनमेंट रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर अब हम इसकी इनवॉइसिंग करेंगे, डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, सेल टाइप बताएंगे, पार्टी का नाम डालेंगे। अब हम प्रेस करेंगे F11, पेंडिंग ऑर्डर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर हम उस सेल ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑर्डर की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमारे पास हार्ड ड्राइव का करंट स्टॉक है 39 पीसेस, तो यहाँ पर अभी हम इनवॉइसिंग कर रहे हैं 35 पीसेस की। इस वाउचर को सेव करेंगे। ऑर्डर से जुड़ी रिपोर्ट्स देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पर हम पेंडिंग ऑर्डर्स और ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स हमें उन ऑर्डर को शो करती है जिनके अगेंस्ट सेल या परचेज होनी पेंडिंग रहती है। यहाँ पर हम F4 प्रेस कर इन ऑर्डर्स को क्लियर भी कर सकते हैं।